दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिप्लोमा का स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर थर्ड लेने जा रहे हैं और ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट फॉर्म में कौन कौन सा होता है, सभी इक्वेशन को हम देखेंगे और उसको किस तरह से लर्न करना है सब कुछ तरीका ट्रिक वाइज आपको बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर देना यार, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना और जितना हो सके लगातार लेक्चर्स फटाफट देखते जाओ कि टेंशन लास्ट में ना हो। स्लोप पॉइंट फॉर्म, अब यहाँ पे पहला क्या है दोस्तों, स्लोप और पॉइंट। स्लोप पॉइंट फॉर्म का जो हमारा इक्वेशन है दोस्तों, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये कभी भी अगर आपको ये वाला इक्वेशन कब यूज करना है वो भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जब भी अगर आपको एक स्लोप दिया होगा और आपको एक पॉइंट पता होगा, पॉइंट मतलब जैसे 2.3 और स्लोप मतलब आपको एम दिया है, जब भी एक स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। पॉइंट को आप एक्स वन वाई वन लोगे और स्लोप को आप लेटर एम से डिनोट करोगे। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम कौन से फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो मेरा फॉर्मूला है दोस्तों, इसके अंदर वाई, ये जो सी दिखाई दे रहा है, ये देखो ये एम जो है ये आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया। जो सी है दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आगे बता रहा हूं। ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में मैंने बताया था। अब तीसरा है दोस्तों आपका टू पॉइंट फॉर्म, बहुत इजी फॉर्म है। तीन लोग हैं, एक एक्स है, एक एक्स वन है और एक एक्स टू है, इसी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। सेम ऐसे ही यहां पे क्या आएगा दोस्तों, तीन लोग में वाई माइनस वाई वन वाई वन माइनस वाई टू। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया हूं। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आप कैसे याद रखोगे दोस्तों, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू वन। कहीं कहीं पे अगर आप बुक में देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी विच इज इक्वल टू वन है, उसका मतलब भी वही है। अब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होता क्या है, मैं यहां पर आपको उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है वो बता दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना लाइन है, ये अपने लाइन का इक्वेशन है। आपको पता है कि हम स्लोप कैसे निकालते हैं, इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, माइनस ए बाय बी। अगर आपको सपोज एक्स इंटरसेप्ट निकालना तो आप कैसे निकालोगे, माइनस सी, एक्स के आगे क्या है दोस्तों, ए है, तो माइनस सी बाय ए। और अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला लो, माइनस सी, वाई के आगे क्या है दोस्तों, बी। तो ये वाले फॉर्मूले से आप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट निकाल के यहाँ पे आप पुट करके इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब दोस्तों अब अगर आप आगे जाते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म भी बहुत इजी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या लोगे दोस्तों, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा, एंड यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वाई माइनस वाई वन अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। हाँ, ये क्वेश्चन समझने के लिए, ये फॉर्म समझने के लिए डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको डायग्राम बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्म जो है इसके अंदर हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा, यहाँ पे आपका कॉस अल्फा और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन अल्फा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा एक्स, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों वाई, और साथ में विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पी। अब यहाँ पे आपको ये अल्फा क्या है, ये अल्फा क्या है, ये पी क्या है, ये आपको एक डायग्राम से समझ में आएगा। सपोज यहां से एक लाइन है तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये वो पी है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दोस्तों ये क्या है, अल्फा है। तो ये इसका नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उस टाइम पे आपको ये इक्वेशन भी बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके दे दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस अभी आपको नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन पता होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों आगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो ही आपको जो भी आपके पेपर, जो फाइनल एग्जाम में जो पेपर आएंगे उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे लेक्चर का ही हेडिंग है इक्वेशन ऑफ लाइन, और हमें इंक्लिनेशन दिया है तो दोस्तों हम उसे क्या लेंगे, गिवन, हम उसे क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, थीटा, थीटा कितना दिया है, 2π/3। और दोस्तों हमें क्या बोला है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट -4.3, कौन से पॉइंट से कवर हो रहा है, पास हो रहा है दोस्तों -4.3। तो दोस्तों जिस पॉइंट से, अगर यहाँ पे देखो अगर आपको एक थीटा पता है और ये हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, स्लोप। आपको पता है जब भी अगर हमें थीटा पता है, तो मैंने इसके पहले वाला लेक्चर स्लोप पे ही लिया था, तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आप एक्स वन वाई वन ले सकते हो, और इसके बाद हम जितने भी डिफरेंट फॉर्म हमने देखे उसमें से एक फॉर्म का हम यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन चुटकी में निकाल लेंगे।
अब दोस्तों यहां पे देखो इस थीटा का ही मतलब क्या है, तो मैंने क्या बोला था, आप यहां पे पाई की जगह पे अगर आप 180 रखते हो और यहां पे 3 रखते हो, तो इसको अगर इसमें डिवाइड करोगे तो आई थिंक 60 आएगा। तो यहां पे ये डिग्री में कितना आ जाएगा, 120। इसी का मतलब क्या हो गया, 120 डिग्री हमें दिया है। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, स्लोप विच इज इक्वल टू टेन थीटा, आपको याद होगा इसके पहले वाला लेक्चर, देन टेन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 120। अब डायरेक्ट मैं टेन 120 तो निकाल नहीं सकता, उस लेक्चर में मैंने 120 का वैल्यू निकाल के दिया था। तो यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास दो ऑप्शन है, मैं या तो 180 में से लूंगा या तो 90 में से लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, 90 प्लस 30 कर रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे मैं अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। अगर समझो ये एंगल मेरा 90 यहां पे है, ये देखो ना 90 यहां पे, तो यहां पे अगर वाई एक्सिस का जो भी अगर मैं एंगल लूंगा तो ये 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट हो जाएगा, और ये 30 ऐसे सेम रखूंगा। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ही बताया है कि अगर मैं वाई एक्सिस का एंगल ले रहा हूं तो 10 का मैं क्या कर दूंगा, कॉट कर दूंगा। वही अगर एक्स एक्सिस का होता, अगर इनकेस यहां पे मैंने 180 लिया होता तो 10 का 10 ही रहता। अब दोस्तों ये लिखने के बाद अब यहां पे प्लस आएगा कि माइनस, वो कैसे डिसाइड होगा, तो आपको पता है 120 का एंगल, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें 180 तक एंगल होते हैं, तो 90 से 120 ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है दोस्तों, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो 10 है वो क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। तो फाइनली माइनस और कॉट 30 निकालने के लिए आप पहले 10 30 के बारे में सोचो। तो 10 30 का जो वैल्यू है दोस्तों, 1/√3 है, तो इसका वैल्यू जस्ट उसका उल्टा होगा, तो क्या होगा, √3। तो फाइनली दोस्तों यहां पे हमें स्लोप का आंसर मिल गया। तो देखो ये स्लोप निकालने का भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब यहां पे प्लीज एक बार आप वीडियो को अच्छे से पीछे करके देख लेना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ये होने के बाद दोस्तों आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं एम इक्वल टू मेरे पास कितना है दोस्तों, -√3। बाद में मेरे पास जो पॉइंट है -4,3 है, जिसको हम क्या लेंगे दोस्तों, x1 और y1। अब यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो आप फॉर्म यूज करोगे दोस्तों उसके बारे में भी आपको लिखना है। मैं कौन सा फॉर्म यूज कर रहा हूं यहां पे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि मुझे एक स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, तो मैं ये फॉर्म यूज करूंगा। और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, y-y1 इक्वल टू m x-x1। यस, y-y1 द वैल्यू ऑफ y1, देखो y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है। m का वैल्यू कितना है दोस्तों, -√3। x का वैल्यू कितना है दोस्तों, माइनस नहीं, x तो ऐसे ही रहेगा। x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -4। तो यहाँ पे देखो 2 साइन आया, तो मैंने ब्रैकेट ले लिया। अभी देखो 1-3 -√3 x -- प्लस, तो देखो y-3, ये √3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। √3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4√3। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो देखो x वाला टर्म कोशिश करना प्लस करने के लिए, अगर माइनस भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको यहां पे लूंगा तो देखो ये √3x प्लस हो गया, y ऑलरेडी यहां पे है दोस्तों, तो y वाला टर्म हो गया, यहां पे क्या है दोस्तों -3, और ये वाला टर्म यहां पे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का यहां पे क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखो ये दोनों टर्म का कैलकुलेशन नहीं हुआ क्योंकि इसके पीछे √3 है और यहां पे 3 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप चाहोगे तो इसको और चेंज कर सकते हो, पूरे इक्वेशन को आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा x, यहां पे y/√3। नहीं करोगे तो भी चलेगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ देखो ये एक जस्ट रिवीजन करने के लिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसके पहले वाले लेक्चर के ही टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे हमें देखो इक्वेशन दिया है, गिवन लाइन का इक्वेशन, और हमें दोस्तों क्या निकालना है, सबसे पहले स्लोप निकालना है। अब बताओ स्लोप का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, -a/b -a मतलब क्या आएगा यहाँ पे 3, बी मतलब वाई के आगे जो वैल्यू है -4 है, तो -- कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर कितना है 3/4, मतलब अपने को स्लोप मिल गया। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होगा, -c/x, तो वाई इंटरसेप्ट है ना, तो वाई के आगे कौन सा वैल्यू होता है, बी होता है, तो दोस्तों -c का वैल्यू कितना है दोस्तों 5, एंड बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, वाई के आगे क्या है -4, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना है 5/4। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसलिए मैंने लिया। और ये एक बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,5 एंड 4,6।
दोस्तों हमें क्या करना है, पहला पॉइंट हमें क्या दिया है दोस्तों 3.5 एंड देन सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिया है 4.6। हाँ अब यहां पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो देखो मैं इसे क्या ले लूंगा x1 y1, इसे हम क्या ले लेंगे x2 y2। अब हमारे पास टू पॉइंट है तो हमने सीखा है कि टू पॉइंट फॉर्म हमने सीखा है, जैसे हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा वैसे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है, तो वैसे हमने टू पॉइंट फॉर्म पढ़ा है। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय टू पॉइंट फॉर्म। अब बाय टू पॉइंट फॉर्म में हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा दोस्तों, तो प्लीज ध्यान से इक्वेशन ऑफ लाइन को समझना, x-x1 upon x1-x2, देन यहां पे क्या आएगा दोस्तों y-y1 y1-y2। x-x1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो जो फर्स्ट वाला है 3, देन यहां पे भी 3 माइनस वैल्यू ऑफ x2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 4, यहां पे y-y1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 5, y1 का क्या है 5 एंड y2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 6। अब ये होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे x-3 upon -1 एंड यहां पे क्या आएगा दोस्तों y-5 upon -1। ये अगर चाहिए तो आप ये -1 -1 कैंसिल भी कर सकते हो, तो नीचे कुछ नहीं रहेगा, या तो आप चाहिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे भी कर सकते हो। अब यहां पे अगर हम इसको कैंसिल कर दिए तो यहां पे x-3 और y-5 बचा। देखो ये x यहाँ पे, y यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, -3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे आएगा तो +5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, देन x-y +2 विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब जल्दी ही मैं इससे रिलेटेड आपको और भी टिपिकल क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये तो इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद वाला लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, डिफिकल्ट मतलब आपके लिए तो बहुत ईजी रहेगा। तो ये लेक्चर्स में मैंने प्रैक्टिस भी करवा लिया, मेन मोटो है मेरा कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के डिफरेंट फॉर्म याद करने। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद दोस्तों।